हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पटवारी 2017 में गणित में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन पर। तो देखिए, जैसा कि एक क्वेश्चन यहाँ मैंने लिख रखा है कि यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। थ्योरी में लिखा गया है फर्स्ट सेकेंड थर्ड वर्ग है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक वर्ग है जिसमें फर्स्ट का परिमाप आपको दिया गया है 12 सेंटीमीटर, सेकेंड का जो परिमाप है आपको 24 सेंटीमीटर देके रखा है। तो कहता है थर्ड का एरिया, थर्ड का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान रखिए, आपको पता होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है और वर्ग का परिमाप क्या होता है, ठीक। तो वर्ग का जो परिमाप है, परिमाप सबको पता होना चाहिए कि जितने भी साइड्स होते हैं किसी भी पॉलीगन्स में, सबको आप टोटल कर दीजिए, सबको आप जोड़ दीजिए, वही कहलाता है परिमाप। तो यहाँ पर वर्ग चार भुजाएं हैं, तो ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, ये साइड ए, तो इसका जो वर्ग का एक परिमाप होता है वो होता है 4a, 4a, ठीक है, ये है परिमाप। फिर इस वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, क्षेत्रफल होगा इसका ए का स्क्वायर। तो ये दो चीजें हमें पता होना चाहिए। तो हमें कहता है कि ये जो पहला वाला डायग्राम है इसका परिमाप है 12। तो पहले वाले के देखिए, भुजा की हमें लंबाई पता करना है, तो 4a इक्वल टू 12, ये है फर्स्ट वाले के लिए। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो हमें पता चल गया कि ये पहला वाला जो वर्ग है इसकी प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर की है, ठीक। तो हमें पता चल गया कि छोटे वाले पहले वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा 3-3 सेंटीमीटर की है। अब आइए सेकंड नंबर, सेकंड नंबर में कहता है कि जो सेकंड वाला डायग्राम है उसका परिमाप है 24, ओके। तो फिर से यही अप्लाई करेंगे, 4a इक्वल टू 24, ये है सेकंड वाले वर्ग का परिमाप। तो यहां से हमें पता चल जाएगा कि सेकंड वाला जो वर्ग है उसका एक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो a बराबर, ठीक है, 4 से भाग लगा दीजिए तो ये हो जाएगा 6, ठीक है, 6, 4, 24। तो हमें पता चल गया इसकी लंबाई है 6, इसकी लंबाई है 6, इसकी भी लंबाई है 6, तो ये 3 है तो ये कितना होगा 3, इसकी भी लंबाई होगी 6। तो अब हम इस तरीके से आ जाते हैं थर्ड वाले में, और ऑटोमेटिकली देखो ध्यान से, थर्ड वाले की हमें एक भुजा पता चल चुकी है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं इक्वल होती हैं। तो अगर ये 6 और 3 9 है तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है। तो हमसे क्वेश्चन ही पूछा है थर्ड वाले का क्षेत्रफल बताइए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, ए का स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल होता है ए का स्क्वायर। तो यहाँ भी ए कितना है भाई, 9, तो सीधे हम 9 का स्क्वायर लगाएंगे और 81 हो जाएगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा 81, ओके। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोर्ड पे इस तरीके से लिखा गया है, ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो लिया गया है पटवारी 2017 में मैथ्स में पूछे गए क्वेश्चनों में से है। इस बार आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, ट्रेपेजियम इसको बोलते हैं। अब इसमें कहा गया है कि AB बराबर है CD के, ठीक है, जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अगर हाइट आपकी 3 इकाई है, हाइट ये है आपकी 3 यूनिट दिया गया है, तो कहता है बताइए इस समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा। अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि परिमाप क्या होता है। कोई भी टू डायमेंशनल, कोई भी जो आकृति होती है उसके सभी भुजाओं का योगफल, उसके सभी भुजाओं को आप एक तरफ से जोड़ दीजिए, वही उसका परिमाप होता है। तो जैसे ये समलंब चतुर्भुज है, ए से लेकर डी तक हमें पता है 16 है, यहां से लेकर यहां तक हमें पता है 8 है। बस ये पता चल जाए सी और डी की ये लंबाई, ए और बी की लंबाई कितनी है, तो सबको हम ऐड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए ध्यान से, अगर ये 3 है तो ऐसे भी मैं बना सकता हूं इस तरीके से, ये भी हो जाएगा 3, ठीक। अब अगर ये 8 है तो यहां से लेके यहां तक हम कर सकते हैं 8, तो 16 में से तो ये 8 हो गया, अब बचा कितना 8।
तो 8 को अगर मैं दो बराबर भागों में बांटूं तो यहां 4 और यहां 4, ठीक है, यहां 4 और यहां 4 हो जाए। अब ध्यान से देखिए पर्टिकुलर इस डायग्राम में, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये ट्रिपलेट्स कहलाते हैं कि अगर परपेंडिकुलर और बेस 3-4 होगा तो ये कर्ण को 5 बनना पड़ेगा। ये हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। आइए जल्दी से समझा देता हूं कि हमें अगर बी और ए और बी की लंबाई निकालनी है तो इसमें कैसे पाइथागोरस लगाएंगे। तो कर्ण का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 और 16 ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर बराबर 25, तो इसमें रूट लगा देंगे तो ए बी की जो वैल्यू आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो हमें पता चल गया ए और बी की लंबाई कितनी है, 5। हमें बोलता है ये दोनों इक्वल हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5। तो अब बताइए इसका परिमाप क्या होगा। तो पूरा एड कर दो, 16, 5 और 5 10 और 8, तो 16, 5 और 5 10 और 8, इन सब को आप जोड़ दीजिए, 26, 4, 30 और ये हो जाएगा 34। तो सही जवाब हो जाएगा 34। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से आप पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहता है, ठीक है। ये भी प्रश्न जो है 2017 पटवारी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कहता है एक वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के अनुपात से क्या होगा, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए कि एक स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल बताइए। जैसे डायग्राम के माध्यम से अगर आपको समझना है तो डायग्राम ऐसे समझिए कि जैसे ये एक वर्ग है, तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा वो, और इसके विकर्ण पर एक वर्ग बन रहा है, तो विकर्ण पर जैसे ये हमारा हो जाएगा विकर्ण, तो विकर्ण में इस तरीके से एक वर्ग बन रहा है। तो एक वर्ग ये रहा इसका क्षेत्रफल, और विकर्ण पर जो वर्ग बन रहा है इसका क्षेत्रफल, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ये जो वर्ग है प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। तो ये जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा आपका ए का स्क्वायर, ठीक। अब ये जो रेड पेन से मैंने स्क्वायर बनाया है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो अगर ये पता चल जाए कि ये रेड वाले का जो लेंथ है साइड्स का, ये भी सारे इक्वल होंगे। तो अगर हमें पता चल जाए किसी एक भुजा की लंबाई, तो देखो ये वाला पता चल जाएगा क्योंकि ये वाली जो लाइन है इस वर्ग का विकर्ण है, ठीक है। तो जब हम इसमें पाइथागोरस लगाते हैं तो हमें इसकी वैल्यू पता चलती है। देखो क्या वैल्यू पता चलेगी, अगर मुझे निकालना ही है तो d का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे 90 डिग्री के सामने वाली लाइन कर्ण होता है, तो d का स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, ठीक। तो यहां पर हो जाएगा d का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2a। तो हमें पता चल गया कि ये जो लाइन है ये है √2a, तो पर्टिकुलर ये जो वर्ग है इसकी सभी भुजाएं √2a होगा, √2a होगा, √2a होगा। तो जरा बताइए इस रेड वाला जो वर्ग बना है इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो a का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर ही तो होता है क्षेत्रफल, तो सेकेंड वाले का क्षेत्रफल होगा √2a का होल स्क्वायर। तो बस हमें इन्हीं दोनों का रेशियो निकाल लेना है, तो a का स्क्वायर बटे में √2 का a स्क्वायर। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा a का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, आ गया 1/2। तो रेशियो हमारा आ गया 1:2, सही जवाब है हमारा ये। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, कहता है एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में x का मान बताइए क्या होगा, x का मान, ठीक है। ये कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये भी जो क्वेश्चन लिया गया है ये भी लिया गया है पटवारी 2017। तो ध्यान रखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ लिखे जा रहे हैं, सॉल्व कराए जा रहे हैं, सब 2017 में पूछे गए क्वेश्चन से ही हैं,
ठीक। अब यहां पर कहता है ये जो डायग्राम बना है ये समांतर चतुर्भुज है, इस समांतर चतुर्भुज में ये x का मान पूछ रहा है, ये रहे आपके चार विकल्प, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का अगर हमें पता करना है इसमें x की वैल्यू, तो सबसे पहला पॉइंट पता ये होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, ठीक है। ये जो होगा a, ये होगा a, ये वाली भुजा अगर b तो ये हो जाएगा b, तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। बस ये कॉन्सेप्ट जिस विद्यार्थियों को पता होगा जल्दी से उसका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 15 बराबर है 2x माइनस 3 के, तो डायरेक्ट हम इसको इक्वेशन में ऐसे लिख सकते हैं 2x माइनस में 3 इक्वल टू 15। तो जरा इस इक्वेशन से पता कीजिए x का मान क्या होगा, 3 को इधर जाने दीजिए तो 2x बराबर 15, 16, 17, 18, अब 2 का भाग लगा दीजिए तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 9। चलिए बढ़ते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ध्यान से पहले पढ़िए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि समचतुर्भुज क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन जो आंतरिक कोण होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, ठीक है, तो ये कहलाता है समचतुर्भुज। अब इसका जो क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है कि इसका पूरा क्षेत्रफल, तो यहाँ से यहाँ तक ये विकर्ण होता है D1, ये विकर्ण होता है D2, तो जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 D1 इंटू D2, ये है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब कहता है कि इसमें एक जो विकर्ण है वो दूसरे विकर्ण का 3 गुना है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का 3 गुना है। तो अगर हम एक विकर्ण D1 को x मान लें तो दूसरा विकर्ण कितना ले लें भाई, 3x ले लें, ठीक। तो आइए जरा कुछ इस तरीके से हम यहां बनाते हैं, फिर क्वेश्चन हमसे पूछता है समचतुर्भुज की भुजा, ये रही समचतुर्भुज की भुजा, पता करना है कि इसकी लंबाई क्या होगी। तो अगर हमारे पास ये विकर्ण की लंबाई पता चल जाए तो ये भी पता चल जाएगा। आइए पहले हम विकर्ण की लंबाई पता करें। तो हमें क्षेत्रफल दिया है 294 इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स इंटू 3x। तो यहां से हमें सॉल्व करना है चीजों को, x की वैल्यू लेकर आना है। तो जरा देखिए क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, अंकों का योग 15 है, 3 से कट जाए। 3 से इसको जब हम कैंसिल करेंगे, 3 7 21 3 8 24 9 3 27, फिर बचेगा 2 3 8 24, ठीक है। तो 3 से ये पूरा खत्म। अब 2 का गुणा इसमें लगा दीजिए, 8 2 16 9 2 18 और 1 19, ये आ जाएगा और इधर बचेगा x का स्क्वायर। और जब आप इसका रूट ले रहे होंगे तो x की वैल्यू आपको मिल रहा होगा 14। तो हमने x की वैल्यू पता लगा लिया 14, ठीक है। तो देखिए जरा x की वैल्यू अगर 14 है तो ये हो गया आपका 14, और ये 3 गुना कर दीजिए तो 42। तो एक हमारा 42 का है विकर्ण, तो एक हमारा 14 का है, और ये होता है समचतुर्भुज में जो डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वो बराबर भागों में बटते हैं। तो अगर D1 है 14 तो ये होगा 7 और ये होगा 7, D2 अगर है 42 तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 21, दो बराबर भागों में बटेंगे। तो हमने विकर्ण पता लगा लिया। और जरा देखिए समचतुर्भुज में ये पार्टिकुलर होता है राइट एंगल, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में अगर ये दो साइड्स दिए गए हैं और ये हाइपोटेनस है कर्ण, तो कर्ण हमें निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए देखो सीधा सा तरीका, इसमें आप ये अगर 7 है ये अगर 21 है तो हमें हाइपोटेनस पता लगाना है। तो हाइपोटेनस पता लगाना है तो h का स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर, ये आप लगा सकते हैं। बाकी इनका भी एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको बेस्ट लगे। तो आइए जरा 4 4 1, तो 9 और 1 10, 4 4 8 और 1 9, और ये कितना हो जाएगा 4। फिर जब हम इसका स्क्वायर लगा देंगे तो स्क्वायर लगा दीजिए, और इसको हम लिख सकते हैं 7, ठीक है,
इसको लिख सकते हैं 49 × 10 और फिर यहाँ से सात बाहर आ जाए तो ये हो गया भाई हाइपोटेनस या फिर साइड्स। तो अगर ये समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनस पता करना है तो ये हो जाएगा 7√10 और सम चतुर्भुज का यही आ गया हमारा भुजा की लंबाई। तो पूछा गया है सम चतुर्भुज की भुजा क्या होगी, तो चारों भुजाओं की लंबाई यही होगी 7√10। हमारी ये जो सीरीज़ है अब कंटिन्यू रहेगी, आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, प्रेस कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे जितने आपके सारे दोस्त हैं इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बताए गए हैं उनका लाभ उन तक पहुंच जाए। आगामी जो अभी आपका पटवारी का एग्ज़ाम है अभी से आप उसमें तैयारी करने में जुड़ जाइए, ठीक है। हमारे यहाँ जो भोपाल शाखा में ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं तो बिल्कुल आप ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़ सकते हैं, वहाँ से भी आप इनका लाभ ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।